बिग बॉस 17 की सदस्य रिंकू धवन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा निकाला है। रिंकू ने बिग बॉस 17 के घर से बेघर होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और बिग बॉस को बाइस्ड बताया। उन्होंने बताया कि ये पहला ऐसा सीजन है जहां बिग बॉस ने जो कहा वही किया, बाइस्ड और अनफेयर। कम से कम बीते सीजन की तरह निष्पक्ष होने का नाटक तो नहीं किया। आपको बता दें, रिंकू ने ये बात सिर्फ अपने इविक्शन की वजह से नहीं लिखी है, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए 4 अनफेयर इविक्शन की बात कही है। रिंकू ने पोस्ट का लिखा, इस सीजन के 4 अनफेयर इविक्शन। पहला, नील भट्ट का इविक्शन, उन्हें बिना किसी कारण के पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। दूसरा, रिंकू धवन का इविक्शन, उनका घर से बेघर होने का समय आ गया था लेकिन उन्हें धोखे से नॉमिनेट किया गया और बाकी लोगों को सिर्फ एक सदस्य नॉमिनेट किया। तीसरा इविक्शन है ऐश्वर्या शर्मा का। रिंकू ने आगे लिखा, ये तो एक मनबुद्धी कंटेस्टेंट ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है। आपको बता दे कि रिंकू ने चौथा नाम नहीं लिखा, उन्होंने बस इतना लिखा कि कोई निकला है, कल दिखा दिया जाएगा। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वो अनुराग अग्रवाल की ही बात कर रही थी। दरअसल बिग बॉस ने कैप्टन और एक्स कैप्टन औरा ईशा मालविया और मुनव्वर फारूकी के वोटों के आधार पर पहले आयशा, अनुराग और अभिषेक को नॉमिनेट किया, फिर घर वालों के वोट्स के आधार पर अनुराग को बाहर कर दिया गया।